अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड, ये महिंद्रा अल्फा ई रिक्शा गाड़ी है और ये गाड़ी का सेंटर पिन चेंजिंग और नेक बियरिंग चेंजिंग का वीडियो मैंने पहले दिया है। तो ये गाड़ी का भी सेंटर पिन चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे नया सेंटर पिन लगा है। और इसका जो प्रॉब्लम था सेम वैसे ही प्रॉब्लम था, जो सामने का जो चक्का है शॉकर के साथ लग रहा था, एकदम गैपिंग कम हो गया था। ठीक है, ये जो गैपिंग यहाँ पे है इससे वैसा गैपिंग यहाँ पे नहीं था, कम हो गया था। तो ये वाला जो वीडियो मैंने किया नहीं, क्योंकि ये वीडियो पहले से दिया हुआ है इस चैनल पर। ठीक है, और इसका जो नेक बियरिंग चेंजिंग का वीडियो था वो भी दिया हुआ है। तो देखिए, इसका जो सेंटर पिन का हालत एकदम ख़राब था। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है ये है कि इसका जो सामने का जो बियरिंग है, ये बियरिंग आज चेंजिंग होगा। और इसमें देखिए प्ले भी है थोड़ा और इसमें साउंड भी है। तो ये वाला वीडियो में आज मैं आपको यही दिखाऊंगा कि इसका जो बियरिंग, इसको कैसे चेंज करना होता है और इसमें कौन सा बियरिंग लगा हुआ है। तो फ्रेंड, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब कोई अच्छा अच्छा ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास आए। तो पहले देखिए, यहाँ पे जो ये कॉलर टाइप का ये जो बाटी है, बाटी को पहले खोलना होता है। ये बाटी के अंदर एक चेक नट लगा हुआ रहता है, उसको पहले खोलना होगा। इसके बाद जाके ये जो सामने का जो हब है, हब निकलेगा। तो फ्रेंड देखिए, ये जो चेक नट है, चेक नट खोलने के लिए 22 नंबर गोटी लगाने का ज़रूरत पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए, इसके अंदर वाला जो ये नीडल बियरिंग था, ये नीडल बियरिंग टूट गया था, जिसके कारण ही ऐसा प्ले आ रहा था। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम था और ये बियरिंग को ही चेंज करेंगे। और दूसरा साइड में भी जो बियरिंग है वो बियरिंग भी चेंज होगा। ठीक है, और फ्रेंड ये जो नीडल बियरिंग जहाँ पे लगता है, ये साइड में, ये सरफेस में लगता है, तो ये जगह सही है कि नहीं ये भी आपको देखना होगा। अगर ये ख़राब होता है तो इसके लिए आपको एक्सेल भी चेंज करना होता है। इसका जो सामने का एक्सेल है ये भी चेंज करना होता है। और कभी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा कि एक्सेल चेंज करना होगा, तो वो वाला वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस जो बियरिंग है, बियरिंग को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें दो टाइप का बियरिंग लगता है। ठीक है, एक देखिए, ये जो बियरिंग टूट गया था, ये वाला नीडल बियरिंग है, ये NRB कंपनी का बियरिंग है, अच्छा बियरिंग है। और इसके साथ और एक बियरिंग लगता है जो कॉमन बियरिंग है, पूरा 6302। ये वाला बियरिंग अच्छा था, लेकिन मैं फिर भी इसको चेंज करूँगा। देखिए, इसके जगह मैं टेक्समिन का ये वाला बियरिंग लगाऊंगा।
और फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ये जो चेकनट है, चेकनट को लगाते टाइम आपको कुछ चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। ये नट अगर आप ओवर टाइट कीजिएगा तो ये बेयरिंग जम हो जाएगा और दो दिन में ये बेयरिंग फिर से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो चेकनट जो है, चेकनट टाइट करते टाइम आपको ये हब को घुमा के भी देखना होगा कि हब फ्री घूम रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो ये हब जम हो जाएगा, ठीक है, यही आपको देखना होगा। तो फ्रेंड बियरिंग लगाने का काम तो कंप्लीट हो गया। अभी सामने का जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू को भी अब देखेंगे। ये ब्रेक शू थोड़ा स्लिप हो गया तो इसलिए इसमें सैंड पेपर थोड़ा घिस दे रहे हैं। और इसके बाद जो इसका ब्रेक का जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को ठीक करेंगे। और फ्रेंड ये ब्रेक तभी ठीक होगा जब इसका जो ब्रेक सामने का जो केसिंग है, केसिंग अगर ठीक रहेगा और ये जाम अगर नहीं रहेगा केसिंग, तभी जाके ये ठीक से काम होगा, नहीं तो एडजस्टिंग करके कोई फायदा नहीं होगा। देखिए फ्रेंड अभी ब्रेक लीवर लूज है, इसको और भी थोड़ा टाइट करना होगा। और फ्रेंड ये जो अब एडजस्टमेंट का जो ये जो स्क्रू देख रहे हो, ये वाला आपको घुमा के इसको एडजस्टमेंट करना होगा। ये घुमाने से क्या होता है कि ब्रेक शू थोड़ा अप होगा, ब्रेक शू थोड़ा डाउन होगा, यही चीज़ को देखना होता है। और एडजस्टमेंट करने का टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ब्रेक अच्छा पकड़ेगा लेकिन ड्रम जाम नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ को आपको देखना होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया था जिसके कारण देखिए ड्रम अंदर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको थोड़ा डाउन करके इसके बाद इसको लगाएंगे। फ्रेंड देखिए अभी भी ड्रम थोड़ा जाम है, तो ऐसा होने से क्या होगा, सामने का जो पहिया है ये ड्रम गर्म होगा और बैटरी बैकअप भी कम हो जाएगा। तो इसको पहले फिर से खोलना होगा और एडजस्टमेंट को और थोड़ा ढीला करके उसके बाद लगाना होगा। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब कोई ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास ही आए, ठीक है फ्रेंड। तो सामने का महिंद्रा का जो सामने का जो जो काम था ऑलमोस्ट सभी मैंने दिखा दिया आप लोगों को। इसका सिर्फ एक ही काम बाकी है जो सामने का जो फ्रंट एक्सेल है
एक्सेल जब चेंज होगा इसका भी वीडियो आएगा एक, ठीक है। और इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आएगा, आप लोग इस चैनल पर पूरे जुड़े रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।